अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के एफ सिलाई सेंटर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को हम बनाना बताएंगे स्टार बेडशीट डिज़ाइन। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार होने वाली है, क्योंकि जो स्टार है हम तीन कलर में बनाएंगे और बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही प्यारी बनके तैयार होगी। आप लोग इस डिज़ाइन से कुशन कवर, पिलो कवर, बेबी बेडशीट, सिंगल, डबल जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सके हमारी हर नई वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, अगर आप लोग बेडशीट बनवाना चाहते हैं या फिर मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, डिज़ाइन को बनाना बताते हैं। तो यहाँ पे हमने कटे हुए पीसेस ले लिए हैं और कपड़े जो है क्रेप का है, और डिज़ाइन बनाने के लिए हम तीन कलर यूज करने वाले हैं। हमने लिया है पिंक कलर, वाइट कलर और हमने लिया है ग्रीन कलर। अगर आप लोग चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को इसका मेजरमेंट बता दे रहे हैं, कितने पीसेस हमने लिए हैं और कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिया है 3 इंच का चार कोन का पीस हमारा है, और इसे हमने लिया है 1 पीस। और यहाँ पे वाइट वाला जो है इसे भी हमने लिया है 3 इंच का, और ये 4 कोन का है और इसे हमने लिया है 4 पीस। और ये वाला पीस है देखिए 3 इंच का, और ये भी हमारा 4 कोन का है और इसे भी हमने लिया है 1 पीस। अगर आप लोग चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिया है 3.5 इंच का, और ये 4 कोन का है और इसे हमने लिया है 3 पीस। और वाइट का जो हमारा है इसे भी हमने लिया है 3 इंच का, 3.5 इंच का, और ये भी लंबाई चौड़ाई बराबर है और इसे हमने लिया है 4 पीस। और यहाँ पे ग्रीन वाला जो है इसे भी हमने लिया है 3.5 इंच का, और इसकी भी लंबाई चौड़ाई बराबर है और इसे हमने लिया है 3 पीस। तो इतने पीसेस से हम एक ही डिज़ाइन को बनाएंगे, और बाकी का आप लोग अगर चाहें तो इसी तरीके से कट करके और भी पीसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा वाला पीस हम रख देंगे किनारे, और जो बड़ा वाला पीस है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे बीचों बीच से, और इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ से हमें बीचों बीच से लेना है और हमें इसे काट देना है। तो जिस तरीके से हमने इसे काटा और बाकी का पीसेस सभी को हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो आराम आराम से आप लोग काट सकते हैं। आप लोग चाहें तो अगर एक बार में ना काट पाएँ तो आप लोग पीसेस को अलग करके, यानी कि एक एक पीस भी कट कर सकते हैं, जैसे आप काट सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने तीनों कलर के पीसेस जो थे हमने कट कर लिए हैं। और आगे आपको कैसे स्टिच करना है, डिज़ाइन को कैसे बनाना है, चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला हमारा पीस है हम इसको आधा आधा कर देंगे, यानी कि हमारा एक कटे में 8 पीस है, तो 4-4 हम पीस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाइट का लेंगे और पिंक का लेंगे, और यहाँ पे हम नीचे ऊपर रखेंगे पीसेस को, और अच्छे से बराबर रखने हैं, और हमें सिलाई करना है, सिलाई हमेशा बराबर रखने हैं, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से हमने सिल लिया है, ज्वाइंट कर लिया है, इसकी जो स्टिच है हो चुकी है। ऐसे ही ज्वाइंट करना है आपको, दो कलर के पीसेस को ऐसे करना है। तो यहाँ पे जो हमारा बाकी का बचा हुआ है 3 व्हाइट का, हम पिंक लगा करके सभी को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने और 3 पीसेस जो हैं पिंक के और वाइट में लगा करके हमने ज्वाइन कर लिए हैं। तो जिस तरह हमने वाइट का पिंक लगाया, उसी तरीके से वाइट और हम ग्रीन का लगा करके ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वाइट और ग्रीन का ज्वाइन हो चुका है। यहाँ पे 4-4 पीस देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 4-4 पीस करके वाइट और ग्रीन को हमने ले लिया है। तो यहाँ पे रख देंगे किनारे, यहाँ पे ग्रीन और हमारा पिंक 2-2 पीस बचा हुआ है, तो इनको हम ग्रीन और पिंक में ज्वाइन करेंगे बचे हुए पीसेस को। तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये भी हमारी जुड़ चुकी है ऐसे। तो आप लोग ध्यान दें और अच्छे से देखें हमारी वीडियो को, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी से आप लोग बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए, यहाँ पे हमारे जो कटे हुए पीसेज जो थे ज्वाइंट हो गए हैं। और अभी आगे आपको क्या करना है और हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको कैसे करना है। यहाँ पे हम जॉइंट वाला पीसेस को उठाएंगे और 2 ग्रीन का और वाइट को मिलाएंगे, और इस तरह देखिए जैसे हमने रखा हुआ है बिल्कुल आपको ऐसे रखना है और जॉइंट कर देना है। तो इसी तरीके से हम जॉइंट करेंगे। तो अभी आप लोग को आज देखने को मिलेगा, आखिर तक देखते रहिए आप लोग, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने ज्वाइंट कर लिए हैं इस तरीके से 2 पीस लेकर के। तो इसी तरीके से जैसे हमने आप लोग को जोड़ के दिखाया, और जो हमारा बचा हुआ पीस है जो ज्वाइंट वाला, उन सभी को हम ऐसे जोड़ देंगे, पिंक का और ग्रीन का दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो चलिए हम जोड़ के फिर दिखाते हैं आपको।
तो यहाँ पे देख सकते हैं दो दो हमारा ग्रीन का हो गया ज्वाइंट और दो पिंक का हो गया। देखिए इस तरीके से हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो दो पीस ज्वाइंट कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये ज्वाइंट वाला बचा हुआ है अब इसे कैसे लेना हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक पिंक था और एक ग्रीन था इन दोनों को हमें लेना है। पहले हम क्या करेंगे ग्रीन का लेंगे और ज्वाइंट वाला पीस उठाएँगे एक। तो कैसे रखना है आपको देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर मिलाना है और हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। और यहाँ पे हम जो स्टार है वो मतलब दो कलर का स्टार बनाएंगे हाफ हाफ कलर में मतलब हाफ हाफ डिज़ाइन में दो कलर से इसका हम फुल स्टार बनाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने ग्रीन का रखा उस तरीके से हमें पिंक का भी लेना है और यहाँ पे पिंक को पिंक में मिलाएंगे और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो जो हमारा स्टार होता है वो एक कलर में ही होता है तो हम यहाँ पर दो कलर में आप लोग को दिखाएँगे और आधा आधा। तो यहाँ पे हमारी जो दो पीसेस यहाँ पे जुड़ चुकी हैं ऐसे तो इन दोनों को हम लेंगे और यहाँ पे इससे मिलाएंगे यहाँ पे ज्वाइंट मिलाएंगे और इधर हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ग्रीन और पिंक 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 की तरफ आएगा और ग्रीन ग्रीन की तरफ आएगा ज्वाइंट मिलाते हुए हमें जोड़ देना है। तो आप लोग देखें किस तरीके से हम पीसेस को रख रहे हैं और ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमारा आना चाहिए आधा आधा। देखिए दो कलर का दिख रहा है आपको एक तरफ पिंक दिख रहा है एक तरफ हमें ग्रीन दिख रहा है। तो ग्रीन की तरफ हम ग्रीन का पट्टी उठाएंगे यहाँ पर ज्वाइंट ज्वाइंट करेंगे मिलाते हुए ज्वाइंट को और पिंक की तरफ पिंक को उठाएंगे। तो अभी देखिए आप यहाँ पे हम पहले ग्रीन का उठा रहे हैं लगा रहे हैं सिल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे बराबर सिलाई रखना है आपको। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम जोड़ देंगे और इधर हम पिंक की तरफ पिंक को लगाएंगे। तो दो तरफ पहले हम जोड़ देंगे और दो तरफ हमारा बाकी रहेगा तो फिर आगे कैसे जोड़ना है वो हम आप लोग को दिखाएंगे। तो जब भी आप जोड़ें तो ज्वाइंट को मिलाकर जोड़ें और अच्छे से सिलाई जितनी भी होगी आपके बराबर रखने हैं आपको कम ज़्यादा नहीं करने हैं आप सीधी सिलाई रखें। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ पीसेस को लगा लिए हैं और ग्रीन की तरफ ग्रीन और पिंक की तरफ पिंक और दो तरफ बाकी है। तो हम दो अभी पीस बचा हुआ है तो जो हमारा वाइट का चार पीस था हमने टुकड़े में रखा हुआ है तो दोनों पीसेस में हम दो दो पीस किनारे किनारे पे देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों पीसेस में किनारे किनारे टुकड़े को व्हाइट कलर के जो टुकड़ा था हमारा हमने जोड़ लिया है और यहाँ पे देखिए उठाएंगे ग्रीन के तरफ इस ग्रीन वाले पीस को और यहाँ पे मिलाएंगे सभी ज्वाइंटों को मिलाने हैं और हमें ऊपर से नीचे तक जो सिलाई है कर लेने हैं। तो दोस्तों हम सोचते रहते हैं कि आप लोग के लिए हम आसान से आसान डिज़ाइन लाएं और अच्छे से आप लोग को समझाएं बताएं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से बना पाएँ आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो बनाने में कोई आप लोग को परेशानी ना उठाना पड़े कि आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक तरफ ज्वाइंट कर लिया फिर दूसरी तरफ हम पिंक का उठाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे टू कलर का जो स्टार बन रहा है हाफ हाफ कलर में कैसा दिखेगा। अभी आखिर में आप लोग को देखिएगा कितना ही प्यारा बनेगा हमारा जो स्टार है। तो आप लोग बना सकते हैं अपने बेडशीट में और बेबी बेडशीट में भी बना सकते हैं छोटा बड़ा कर करके डिज़ाइन पीसेस को। तो सभी को हम अच्छे से ज्वाइंटों को मिलाएंगे और इससे भी हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने ऐसे सिल लिया है। तो यहाँ पे जो हमारी स्टार है देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है और यहाँ पर हमने दो कलर में स्टार को बनाए हुए हैं यहाँ पर हाफ हाफ कलर करके। तो इस तरीके से हमारा जो स्टार है जो तो दिख रहा है आप लोग को तो यहाँ पे डिज़ाइन जो हमने बना लिया है। अब आगे आपको क्या करना है हम किनारे किनारे इसकी पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी सिर्फ हम आप लोग को दिखाने के लिए लगाएंगे कि पट्टी कैसे लगाया जाता है और नहीं तो अगर आप बेडशीट बना रहे हैं तो बाद में पट्टी लगाना होगा। तो यहाँ पे इसकी हम लंबाई पहले नाप लेंगे कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है। तो 10.5 इंच का आ रहा है इसको हमें ऐसे नापना है फिर हमको पट्टी कट कर लेना है 10.5 इंच के। तो यहाँ पर हमने पट्टी और टुकड़े को पहले ही कट कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कटे हुए पीसेस हमने लिए हुए हैं यहाँ पर तो हम इसका नाप दिखा दे रहे हैं। चौड़ाई जो है 3 इंच की है और लंबाई जो है 10.5 इंच का क्योंकि हमारा पीस 10.5 इंच का है और यहाँ पे जो टुकड़ा हमारा है इसको हमने लिया है 3 इंच का। लंबाई चौड़ाई बराबर है दोनों तरफ हमारा बराबर है 3 इंच के और इसे हमने लिया है 4 पीस और इसे भी हमने लिया है 4 पीस। तो इस चारों पीसेस से हम किनारे किनारे पे लगाएंगे। अगर आप बेडशीट बना रहे हैं तो पहले आप पट्टी ना लगाएं आपको बाद में लगाने हैं कि आप जब बेडशीट बनाएं उसके बाद पट्टी लगाएं मतलब ऐसे पीसेस में ना लगाएं। तो हम क्या करेंगे किनारे किनारे इसके पट्टियों को लगाएंगे पहले दो तरफ लगाएंगे फिर आपको दो तरफ लगा के हम बताएंगे। तो एक तरफ हमने इसे लगा लिया और देखिए इस तरीके से हमारा जुड़ गया है फिर दूसरे तरफ भी हम लगा लेंगे पीसेस को।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पट्टी को दोनों तरफ लगा लिए हैं और हमारा दो तरफ बाकी है। तो कैसे लगाना है, यहाँ पे दो बचे हुए हमारे पट्टी हैं और यहाँ पे हमने जो टुकड़ा है उसे लेंगे और चारों तरफ टुकड़े को सिलाई कर देंगे दोनों पट्टियों में। तो यहाँ पे हमने दोनों पट्टियों में दोनों तरफ टुकड़े को लगा लिया है, जो ब्लैक कलर का हमारा टुकड़ा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीस को रखेंगे, ज्वाइंट मिलाएंगे यहाँ पे और एक तरफ हम सिलाई कर देंगे। पहले हमें एक तरफ करना है, फिर दूसरी तरफ हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक तरफ लगा लिया पट्टी को, फिर दूसरी तरफ हमारा बाकी है। तो यहाँ भी हम पट्टी को उठाएंगे, यहाँ पे देखिए रखेंगे, ज्वाइंट को मिलाएंगे अच्छे से और इसे भी हम अच्छे से सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे पट्टियों को लगा लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी पट्टी है, टुकड़े जो हैं हमारे चारों तरफ डिज़ाइन के किनारे किनारे पे हमने इसे लगा लिया है। तो यहाँ पे हम आप लोग को जो डिज़ाइन हमारी है वहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी पट्टी भी देख पा रहे होंगे आप लोग, कैसे हमने पट्टियों को लगाया है इस तरीके से। और चारों तरफ हमने पट्टियों को लगा लिया है और क्या करना है हमें, अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे यहाँ पे। और फिर आप लोग को हम प्रेस करने के बाद दिखाएंगे कि आप बेडशीट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे बेडशीट बना सकते हैं, और बेडशीट बनने के बाद कैसी आपकी जो बेडशीट है, डिज़ाइन है, वह कैसे आप लोग को दिखेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने डिज़ाइन को प्रेस कर लिया है और हमारी जो सिलाई है वो बैठ चुकी है, हमने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है और हमारी जो सिलाई है बैठ चुकी है। तो डिज़ाइन देख सकते हैं आप लोग, अच्छी लग रही है देखने में और खिल भी रही है। तो आप लोग बेडशीट को कैसे बना सकते हैं और कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे जो पट्टी लगा हुआ है, पहले आपको यहाँ पे नहीं लगाना है डिज़ाइन के, मतलब बनाने के बाद नहीं लगाना है। पहले आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा डिज़ाइन है और जो हमारा डिज़ाइन है पट्टी है नहीं लगाना है आपको, और जो हमारे डिज़ाइन है यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंदर का हमारा डिज़ाइन है इसे ही हमें बनाना है। जैसे हमने स्टार बनाए हुए हैं अंदर का, उसी तरीके से आपको बहुत सारी बना लेने हैं, जितने कि आप अपनी बेडशीट में लगाना चाहते हैं उस तरीके से बना लें। और फिर जब ज्वाइंट करना है तो कैसे करना है, आपको नाप के पट्टी को कट करना है, जैसे हमने पट्टी दिखाया है आपको ऐसे कट कर लेना है। पहले आपको डिज़ाइन रखने हैं, फिर पट्टी रखने हैं, उसके बाद डिज़ाइन रखने हैं, फिर पट्टी रखने हैं, फिर डिज़ाइन लेने हैं, पट्टी डिज़ाइन करके आपको जितनी भी चौड़ाई चाहिए आपको बना लेने हैं। फिर ऊपर की साइड में हमें ऐसे टुकड़ा लेना है, पट्टी लेना है, टुकड़ा लेना है, पट्टी लेना है, फिर हम जितनी चौड़ाई हमारी रहेगी उतनी चौड़ी हमको मतलब पट्टी को लेना है। फिर ऊपर की साइड में हम क्या करेंगे, पट्टी ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन वाली पट्टी को ज्वाइन करेंगे, फिर हमारे टुकड़े वाली पट्टी को ज्वाइन करेंगे, फिर डिज़ाइन वाली को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा स्टेप स्टेप करके आप आगे आगे हम पट्टियों को लगाते जाएंगे और अच्छे से ज्वाइन करते जाएंगे। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, जब आपकी बेडशीट जब जुड़ जाएगी और बन के तैयार हो जाएगी तो इस तरीके से आएगी लुक और बहुत ही प्यारी लगेगी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पट्टी पहले ना लगाएं, डिज़ाइन जब ज्वाइन करें उसके बाद पट्टी लगाएं और आपकी बेडशीट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग चाहें तो अपने लिए बना सकते हैं, अपने बेबी के लिए बना सकते हैं, सिंगल डबल जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं तो अपने भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।